हाय दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एप्सन L805 का कंप्लीट अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ इसका सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉलेशन होता है और पीपीसी कार्ड प्रिंटिंग के लिए क्या क्या सेटअप करना पड़ता है A to Z इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने प्रिंटर को अनबॉक्स कर रहा हूँ और प्रिंटर को निकाल रहा हूँ। मैं मुनीम, कंप्यूटर हब बरपेड़ से, और मेरे साथ है रतन और प्रकाश। ये देख सकते हैं आप, 6 इंक बोल्टर्स आता है इसमें और अभी हम प्रिंटर को निकाल रहे हैं। प्रिंटर को धीरे से हल्के हाथ से निकालिए। इसमें एक CD प्रिंट करने का ट्रे दिया होता है, लेकिन जो PVC कार्ड प्रिंटिंग के लिए जो ट्रे होता है वो नहीं दिया होता है, तो हमको अलग से परचेस करना पड़ता है। अभी हम यहाँ से प्रिंटर के ऊपर में जो स्टिकर लेबल वगैरह है वो सब हटाएंगे धीरे धीरे। दोनों हाथ से, हल्के हाथ से हटाइए ताकि कोई खराबी ना हो। ये होने के बाद हम इंक को, बोतल को अनपैक करेंगे और कलर के वाइज हम इसको फिल करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि कौन सा कलर, लाइट मैजेंटा, लाइट मैजेंटा, लाइट शाइन, शाइन, येलो और ब्लैक, ये 6 कलर आता है। तो जिस बोतल में जो इंडिकेशन दिया है होता है उस हिसाब से आप टैंक को फिल कीजिए। देखिए, अब वीडियो में देख सकते हैं रतन कैसे फील कर रहा है। फिर होने के बाद आपका यहाँ पे देखिए, ये रेड लाइट इंडिकेट कर रहा है, उसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करते रहिए। प्रेस करने से ये प्रिंटर का इनिशियलाइज होगा। इनिशियलाइज मतलब प्रिंटर रेडी होने के प्रोसेस में चलेगा। तो इस प्रोसेस में हमको 15 मिनट लगेगा। आप थोड़ा आराम से बैठ जाइए, बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉलेशन देख लीजिए। प्रिंटर इसी बीच प्रिंटर रेडी होता रहेगा। अभी हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आए हुए हैं। यहाँ पे मेरा एक फोल्डर दिया हुआ है एप्सन का, जहाँ पे हम लोग का प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है और एप्सन R260 जो कार्ड प्रिंटिंग के लिए है वो दिया हुआ है। तो पहले हम प्रिंटर का इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रेस कीजिए। यहाँ पे कनेक्ट योर प्रिंटर लेटर, क्योंकि इन द मीन टाइम हम लोग का प्रिंटर रेडी हो रहा है, तो हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद जब हम लोगों का प्रिंटर रेडी हो जाएगा, वहाँ पे रेड लाइट ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा, ऑनली ग्रीन लाइट रहेगा, तब हम USB कनेक्शन करेंगे। USB कनेक्शन करने के बाद आपके यहाँ पे न्यू हार्डवेयर फाउंड आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, और प्रिंटर को ग्रीन लाइट चलने से ही यह प्रोसेस करना है। देखिए, हार्डवेयर इंस्टॉल हो चुका है, मतलब प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपका आएगा एप्सन L805 का सीरीज़ का, ये आ चुका है, मतलब हम लोग का प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका। अभी दूसरा प्रोसेस है, इसको क्लोज करके देना है। स्टार्ट में जाना है, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में जाना है। जाके यहाँ पे एप्सन का L805 जो प्रिंटर है उसके ऊपर, सीरीज़ के ऊपर राइट क्लिक करना है। एप्सन L805 सीरीज़ के ऊपर राइट क्लिक करके प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रिंटर प्रॉपर्टीज से जाके हमें पोर्ट में जाना है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस हमको नोट डाउन करना है, कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहा है हम लोग का प्रिंटर 805, USB 02, ये आपको याद रखना है। ये बाद में ये हम लोगों का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे मेरा जो फोल्डर दिया हुआ उसमें आपका नीचे देखिए, नीचे से 2 दिया हुआ है, एप्सन 12055 और एप्सन 14999। ये है 32-bit और 64-bit का। हम लोगों का विंडोज 64-bit का है, तो मैंने नीचे वाला 14999 यूज़ किया, उसको डबल क्लिक करके ओके किया। इंस्टॉल कीजिए। अगर 32-bit का होता तो ऊपर का हम यूज़ करते। तो अभी देखिए,
प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे आपको अभी मैनुअल सिलेक्ट करना है, देखिए कि मैनुअल, ये मैनुअल में क्लिक कीजिए। करने के बाद ये पोर्ट, कौन सा ये पोर्ट यूज़ कर रहा था हम लोग का प्रिंटर, USB 02, उसको सिलेक्ट करना है, ओके करना है, एकदम ईजी है, थोड़ा ध्यान देना है आपको खाली। ये देखिए हम लोगों का प्रिंटर हो चुका है। अभी प्रिंटर प्रॉपर्टी, प्रिंटर में जाएंगे, डिवाइसेस प्रिंटर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा एप्सन स्टाइलस फोटो R260 सीरीज़ का, स्टार्ट डिवाइसेस प्रिंटर्स में जाने से ये आपको दिखेगा। अभी हम ये एक फाइल दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, कैसे किस फॉर्मेट में आप PVC कार्ड प्रिंट करेंगे, इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ करके फोटोशॉप करना है, क्योंकि हम लोग फोटोशॉप में ही सारा सेटिंग वगैरह करेंगे। फोटोशॉप से ओपन करने से यहाँ पे देखिएगा आपको सेटिंग दिया हुआ है, ये ऊपर का कार्ड नीचे का कार्ड बीच में ही, वो लाइन के बीच में ही रखना है। तो अभी कोई सा भी आप ईश्रम कार्ड या COVID-19 सर्टिफिकेट का कार्ड लेके उसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर पेस्ट कर दीजिए और मिला लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेस्ट कर दिया तो ये आ गया। अभी देखिए यहाँ पे प्रिंट देना है, प्रिंट देने से हम लोगों को एप्सन R260 को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे साइज A4 से क्लिक करना है, टाइप CD-DVD करना है और सोर्स CD-DVD। यहाँ पे एडवांस में जाइए, ये आपका हाई स्पीड को स्लो कर दीजिए, सारा स्टेप आसानी से दिया हुआ है, आप देखते रहिए करते रहिए, प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना है, ये ट्रे को ये एरो जो है ना मिला के रखना है, यही तो आपका ये प्रिंटर रेड लाइट ब्लिंकिंग मारना शुरू करेगा। तो ये एरो हम सेट करके अभी यहाँ से प्रिंट देंगे, आप देख सकते हैं, ओके करेंगे, करने के बाद वो प्रिंटर में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस से आपका देखिए प्रिंटर रेडी, ट्रे को खींच रहा है, एनालाइज इनिशियलाइज कर रहा है, इसको करने के बाद वो अपने आप प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो कोई सा भी हेडेक नहीं लेना है, एक ही वीडियो में आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिए प्रिंटर प्रिंट आउट कर रहा है, आप थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाइए तो ये अपने आप बाहर आ जाएगा, जब काम ख़त्म हो जाएगा ये अपने आप बाहर आ जाएगा। ये देखिए प्रोसेस चल रहा है, ये देखिए प्रिंट आउट चल रहा है।